C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। की तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहाग रात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। तीनों बहुएं कर रही हैं अपनी सास गुड्डन की सुहाग रात की तैयारी। कैसी होगी यंगेस्ट सास की ये अनोखी सुहाग रात की रस्म? क्या अक्षत कभी अपना पाएगा गुड्डन को अपनी पत्नी के रूप में? इस बालकनी जितना ही हक है तुम्हारा इस कमरे में, इसीलिए यहीं पर रहना। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। क्या होगा इस रस्म में जिससे दादी होंगी गुड्डन से नाराज, और कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। कैसे पूरा होगा गुड्डन का ये करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि इंडिया की यंगेस्ट सास है तैयार मनाने के लिए अपना पहला करवा चौथ। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा के करवा चौथ के शानदार एपिसोड में देखिए कि गुड्डन से हुई गलती जिससे हुई दादी उससे नाराज। अब कैसा होगा हमारी इस यंगेस्ट सास का करवा चौथ, और कैसे पूरा होगा करवा चौथ का व्रत? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए शादी के बाद पहली दीपावली पर मिली गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर करेगी नए रिश्तों की शुरुआत, या फिर उसकी गलतियां देखकर अक्षत होगा नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। तुमसे ना हो पाएगा के अगले एपिसोड में देखिए शादी के बाद पहली धनतेरस के शुभ अवसर पर सौंपी गई गुड्डन को जिंदल परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। क्या धनतेरस की पूजा पर गुड्डन दिया बनाकर शुरुआत करेगी नए रिश्तों की, या फिर उसकी गलतियां देख अक्षत होगा उससे नाराज? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर। इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? इस दिवाली शो खेली जाएगी ताश की सबसे बड़ी बाजी। अब ये घर आपके तीनों बहुएं, यहाँ तक कि आपका अपना पति, सब कुछ हार गए हैं आप। आपने तो कलयुग का महाभारत रच दिया सासू माँ। अब कैसे रोकोगे सब कुछ दांव पर लगने से? हारी हुई बाजी को जीत कर कैसे बचाएगी गुड्डन अपना घर, पति और तीनों बहुओं को? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा कि अगले धमाकेदार महासप्ताह में देखिए। त्योहारों के शोरगुल में हम और पुचकी मिलकर लड़ेंगे। प्यार और रिश्तों को बचाने की खातिर होगी सबसे बड़ी जंग। जब प्यार और परिवार हो खतरे में, तो हर नारी को लेना पड़ता है महाकाली का अवतार। गुड्डन और पुचकी मिलकर लड़ेंगे प्यार और रिश्तों के लिए लड़ी जाने वाली सबसे बड़ी जंग। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के दूसरे धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि जिंदल परिवार की बड़ी बहू दुर्गा ने रचा एक नया इतिहास और लगा दिया अपनी सास का रद्दी जितना भाव। बेटा जल्दी से जा, उसे ढूंढ कर लेके आ। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को इस मुसीबत से, और क्या मना पाएगी गुड्डन अपने परिवार के साथ दिवाली? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। सब कुछ पहले से ही तैयार करके दिया था, फिर भी तुमसे नहीं हो पाया। पर उस वक्त तो मेरे और दत्ता के अलावा कोई नहीं था, तो ये वीडियो किसने बनाया और मुझे क्यों भेजा? आप
बार के लिए मुझे ऐसा लगा कि मेरा सारा भांडा फूट गया। आइंदा अगर ऐसा मजाक किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। पता है हार्ट अटैक आते आते रह गया। यही डरा हुआ चेहरा तो देखना था मुझे। आईने में देखो और तुम्हारी तो फिर भी ठीक है। उस दत्ता की तो पैंट गीली हो गई होगी अब तक। भैया प्लीज। लक्ष्मी बेटा ये सब तुम क्यों कर रहे हो? अरे ये सब करने के लिए तो मैंने गुड्डन को बोला था। बेटा उसकी पहली दिवाली है ना, उसे करने दो ना। दादी हमें कोई शौक नहीं है जो हम इन तैयारियों में अपना माथा फोड़ते हैं। आपको पता भी है पिछले 2 घंटे से हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। और दादी हमारी सासू माँ जिनको आपने जिम्मेदारी दी है वो तो घर से गायब है। सरू। हाँ दीदी। मुझे लगता है अपने घर गई होंगी दिवाली मनाने के लिए। हाँ सही कह रही हो। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे बताए बिना वो मायके कभी नहीं जाएगी और खास करके तब जब मैंने उसे कोई काम सौंपा हो। चलिए ऐसे कैसे हो सकता है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में महासप्ताह के तीसरे धमाकेदार एपिसोड में देखिए कि बड़ी बहू ने रचा एक नया इतिहास और बेचा अपनी सास को रद्दी के भाव। अब क्या बचा पाएगा अक्षत गुड्डन को इस मुसीबत से और क्या मना पाएगी गुड्डन अपने परिवार के साथ दिवाली। जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। हम दावे के साथ कह सकते हैं बहुत जल्द हृदय तुम्हें प्रपोज करेगा और मैं चाहता हूं तुम ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। फिर एक बार वक्त ले आया है अस्मिता को। I love अस्मिता जी की कसौटी पर क्या अपने कर्तव्य के लिए अस्मिता त्याग देगी अपने बचपन के प्यार और दोस्त को। माँ का आंचल एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया होता है और तुम ऐसे ही लड़की से शादी कर लेना जिसका आंचल तुम्हारे बच्चे ने खुद चुना हो। आज अगर तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह कोई ले सकता है तो वो है कल्याणी। मल्हार तुम कल्याणी से शादी कर लो। मैं कल्याणी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। बंद करो। जस्ट रिलैक्स, जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। ये वो फिक्र तो नहीं है जो एक अनजान अजनबी दिखाता है किसी के लिए। तुम पृथ्वी के रूम में गई थी? वाह, ये जी अकेले थे रूम में या शलन के साथ थे? क्या देखा? एक मिनट, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। जो तुमने देखा, जो तुम फील कर रहे, तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा है कि आज तुम्हें अपने पृथ्वी जी पे शक हुआ है। किस किस्म के लोगों को रखोगी तुम नौकरी पर? उम्र दराज लोगों को रखे। अपनी जिंदगी में जो तजुर्बे उसने पाए ना वो हमारे प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकता है। क्या बात है जोश की, जज्बे की, जो हमें एक कॉलेज से ताजे ताजे निकले हुए लड़के और लड़कियों में मिलेगा जिनकी एक नई सोच हो। तजुर्बा बहस नहीं, हमें अपने ख्वाब में अपने साथ किसको जोड़ना है ना हमें अच्छे से मालूम है। मेरा मानना यह है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई रुकावट उसे रोक नहीं सकती।
अचल, मुझे पता था तुम ठीक हो। जिसने भी ये कहा नवेदिका जी बिल्कुल सच कहा है कि प्यार करने वाले एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। मौत भी ऐसे दो दिलों को अलग नहीं कर सकती। नवेदिका जी,